या आप डेवलपमेंट का स्टेटस भी आप सराउंडिंग में देख सकते हैं। इसी लेन के अंदर आपको काफ़ी घर बने हुए नज़र आते हैं और इसके सामने वाली लेन में भी काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CDB कंसल्ट साइड एंड बायर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद यासिफ तिगार। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कभी टाउन फेस टू की कंफर्म प्लॉट इन्वेंट्री शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आपके साथ मुख्तलिफ ब्लॉक्स के मुख्तलिफ प्लॉट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लो बजट, इसके अंदर तमाम जो प्लॉट आपके साथ शेयर करूँगा पोजेशन वाले वो प्लॉट होंगे और आप वो प्लॉट बाय करके उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। प्रॉपर इसकी लोकेशन से आपको अपडेट करूँगा, प्राइस से अपडेट करूँगा, इसके अलावा तमाम आपको सराउंडिंग में डेवलपमेंट स्टेटस क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों से आपको अपडेट करूंगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्लॉट विजिट की तरफ। तो व्यूवर्स, जिस टाइम मैं सी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक 3 मरला का प्लॉट है। ये ऐसा प्लॉट है, ये प्लॉट बाय करके आप इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, अपनी रिहाइश रख सकते हैं। पोजेशन वाला ऑन ग्राउंड प्लॉट है और लो बजट में आप इसको बाय कर सकते हैं। इस प्लॉट की अगर नंबरिंग से आपको अपडेट करूँ तो 430 से 440 वाली लेन में इसकी नंबरिंग आ रही है, लोकेशन आ रही है। एक अच्छी लोकेशन का रीज़नेबल प्राइस में ये प्लॉट आपको कोट करवाया जा रहा है। इसकी अगर डिमांड की बात करूं तो 55 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। पोजेशन वाला ऑन ग्राउंड 3 मरला का ये प्लॉट है। डेवलपमेंट का स्टेटस भी आपको दिखाते हैं। इस लेन के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 घर बने हुए नज़र आते हैं। ये आपको ये सेंटर में जो पैच खाली नज़र आ रहा है, ये जो प्लॉट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इसकी लोकेशन आ रही है। डिवेलपमेंट का स्टेटस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, लो बजट में आप इसको बाय कर सकते हैं। 55 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। मेन बुलेवर्ड से भी इजी अप्रोच है। जैसे ही आप यहाँ से राइट की तरफ मूव करते हैं तो 2 से 3 लेन छोड़ के आपको मेन बुलेवर्ड से वॉकिंग डिस्टेंस पर अप्रोच मिलती है। और ये रोड की अगर बात करूँ तो सीधा आपको ए ब्लॉक की तरफ अप्रोच ईजी मिलती है। एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, आप हमारे से इसको बाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं सी ब्लॉक के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास एक 3 मरला का प्लॉट है। लेन नंबर से अगर आपको अपडेट करूँ तो 390 से 400 वाली नंबरिंग में इसकी लोकेशन आ रही है। 3 मरला का प्लॉट है, अच्छी लोकेशन का। ये आप डेवलपमेंट का स्टेटस भी आप सराउंडिंग में देख सकते हैं। इसी लेन के अंदर आपको काफ़ी घर बने हुए नज़र आते हैं और इसके सामने वाली लेन में भी काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं। डेवलपमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर 80% प्रूव मिलता है। इसके बिल्कुल बैक साइड पर आपको ये प्लेटिनम होम्स की लोकेशन मिलती है, जो कि अल कबीर की तरफ से बना के डिलीवर किए गए थे घर, प्लेटिनम होम्स के नाम से। प्लेटिनम ब्लॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है, प्लेटिनम होम्स इसे कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये 3 मरला का प्लॉट है। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ तो 58 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। यूटिलिटी चार्जेस इसके पेड हैं, इसीलिए इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि यूटिलिटी चार्जेस पेड होने की वजह से इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। नहीं तो आपको यहाँ पर 54-55 तक का प्लॉट मिल जाता है। इस प्लॉट की डिमांड 58 की जा रही है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं ई ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक 3 मरला का प्लॉट है। अगर इसकी डिमांड की बात करूँ तो 42 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। लेन नंबर से आपको अपडेट करूँ तो 1440 से 1450 वाली नंबरिंग में इसकी लोकेशन आ रही है। एक बेहतरीन लोकेशन का ये प्लॉट है। मेन बुलेवर्ड से ईजी अप्रोच है। ये सामने आपको मेन बुलेवर्ड मिलता है। सराउंडिंग में डिवेलपमेंट का स्टेटस, इसी लेन के अंदर आपको 2 घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे, जिसका ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और नेक्स्ट वो फिनिशिंग की तरफ है। और ये इसकी बैक साइड पे जो लेन्स हैं, आप उनमें भी डेवलपमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा मेन बुलेवर्ड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सारा ई ब्लॉक है। स्कूल से भी इजी अप्रोच है आपको। ये सामने जो वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्कूल का है। और इसके अलावा आपको ई ब्लॉक की जो मस्जिद है वो भी नियर बाय मिलती है। यहाँ पर कारपेटेड रोड आपको मिलते हैं तमाम। ई ब्लॉक की जो मस्जिद है वो भी आपको दिखाते हैं, नियर बाय है। ये सामने आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ई ब्लॉक की मस्जिद है। एक अच्छी लोकेशन का ये प्लॉट है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको बाय करके इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पोजेशन वाला ये प्लॉट है और अपनी रिहाइश रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मैं ई ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक 3 मरला का प्लॉट है। अगर आपको लेन नंबर से अपडेट करूँ तो 1560 से 1570 वाली लेन में इसकी लोकेशन आ रही है। मेन बुलेवर्ड से ईजी अप्रोच मिलती है आपको। सामने मेन बुलेवर्ड है। 3 मरला का ये प्लॉट है। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ तो 40 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। प्लॉट आपको यहाँ पर गहरे नहीं मिलते, बिल्कुल लेवल के ये प्लॉट हैं। इसकी इस लेन के बिल्कुल साथ आपको इस दूसरी लेन के अंदर 3 से 4 घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। डिवेलपमेंट का स्टेटस यहाँ पर सराउंडिंग में इम्प्रूव है, अच्छी डिवेलपमेंट है। या मेन बुलेवर्ड पर भी डिवेलपमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। बिल्कुल बैक पर आपको इसके स्कूल मिलता है।
स्कूल के साथ बिल्कुल पार्क है, पार्क अभी ऑपरेशनल नहीं है लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ऑपरेशनल मिलेगा। इसकी डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। एक अच्छी लोकेशन का लो बजट प्लॉट है, अगर आप प्लॉट बाय करना चाहें तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, फर्दर आपको किसी किस्म की डिटेल चाहिए ऑल कबीर के हवाले से, न्यू लोड सिटी या बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड या फर्दर किसी हवाले से आपको कोई डिटेल्स चाहिए लाहौर के अंदर किसी भी सोसाइटी में, तो आप दिए गए नंबर +92333114200 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, आप इस पर भी जाके हमें विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मार्केट की पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड में जिस तरह के आप सबको आइडिया है कि वहाँ पर काफ़ी किस्म के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं और कुछ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिलते हैं इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, अगर आप उसमें कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो तब भी आप दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, फिर हाजिर होऊंगा किसी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।